हेलो बच्चों, नमस्कार बेटा। आप सब ने CUT का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका जो फ्यूचर है वो दिख रहा है कि वो क्या होने वाला है CUT के बच्चों का। अब CUT का एग्ज़ाम कौन लेता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हुआ क्या कि मैं शाम को न्यूज़ देख रहा था, तो एक ये बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है ABP न्यूज़, ठीक है, और इसके ऊपर मैं न्यूज़ देख रहा था। और आप ये देख लो बेटा कि ये 4 घंटे पहले की है, ये आप देख रहे हो 4 आवर्स अगो। तो ये इनकी आप जो YouTube चैनल है ABP न्यूज़ का, आप इनके ऊपर भी जाके ये जो है देख सकते हो। और देखो आप कितनी इजी तरीके से NTA ने क्या कर रखा है आपके लिए, कि आपकी जो आंसर शीट है कितनी मतलब मिसमैनेजमेंट, मैं इसको मिसमैनेजमेंट कहूँ, कितना मिसमैनेजमेंट हो रखा है कि कुछ जो आपकी जो जिसमें आंसर शीट बॉक्स में है वो बॉक्स ओपन तक है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी होगी। कुछ तो NTA आप जब NTA को जवाब देना चाहिए इस बात के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मैं ABP न्यूज़ का चला रहा हूँ, तो आप एक बार इसको सुनिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। एक बार आप वीडियो जो है सुन लीजिए। जिसके ऊपर लगातार एग्जाम धांधली को लेकर आरोप लग रहे हैं, स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऑफिस में मैं मौजूद हूं, और किस तरह से कितनी लापरवाही से एग्जाम के पेपर्स रखे हुए हैं वो आप देख लीजिए। बड़े बड़े ट्रंक्स, बड़े बड़े बक्से आपको नजर आएंगे CUET के एग्जाम हो जाने के बाद, यहाँ पर यानी खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं कई सारे ट्रंक्स। वहां जो टेंट मौजूद है उसके अंदर भी है लेकिन बाहर भी है। और कैसे मुझे पता चला है कि ये CUET के ही है वो आप देखिए, आपको हम एविडेंस यहाँ पर दिखाते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर छूंगी नहीं इस बात को समझते हुए कि ये सभी एविडेंसेस हैं, ये सभी एग्जाम पेपर्स हैं और यहाँ पर छूना गलत होगा। तो देखिए हम आपको जूम करके ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए चंद्रदेव जी, आप इधर से आइए, आप दिखाइए दर्शकों को। यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है CUET UG एग्जाम 2024 15/5/2024। देखिए इस डेट के ऊपर गौर करना जरूरी है, ये हाल फिलहाल में हुए एग्जाम्स के पेपर्स हैं जो देखिए कॉन्फिडेंशियल है, बाहर आपको नजर आएगा कॉन्फिडेंशियल, लेकिन टेप भी टूटा हुआ है, फटा हुआ है, ट्रंक्स भी। अब आपने देखा कि टेप भी टूटा हुआ है और 15 तारीख बताई गई है, ठीक है। आप ये इसी साल का वीडियो है ना, कोई ये मैं फेक वीडियो नहीं फैला रहा हूँ, मैं हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे, हम बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, NTA को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार पूरा वीडियो देखिए फिर हम डिस्कस करते हैं। खुले हुए हैं, आगे भी चलते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें लगातार। ये देखिए बड़ा बड़ा नजर आएगा CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 15 मई के एग्जाम के बाद ऐसे पड़े हुए हैं ये ट्रंक्स खुले में, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये दिल्ली का है तो इसी के साथ में देखिए ये ट्रंक जो है ये वाराणसी से आया है, ये कानपुर से आया हुआ है और ये सब खुले हुए हैं, यानी इसमें ताले क्यों नहीं लगे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं इतनी देर से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, लगातार आपको ये ट्रंक्स दिखा रही हूँ, तस्वीरें दिखा रही हूँ एक के बाद। अब हम आगे चलते हैं, चंद्रदेव जी इधर भी दिखाइए तस्वीरें कि देखिए कितने बुरे हाल में ये ट्रंक्स पड़े हुए हैं, खुला आसमान है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की तेज बारिश का भी आसार नजर आ रहा है, लेकिन किस हालत में ये ट्रंक्स पड़े हुए हैं, कितने लाखों स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, उसके बाद उनके पेपर्स क्या अच्छे से चेक हो पा रहे हैं, ये चेक हो गए हैं या होने से पहले किस हालत में पड़े हैं, उसका कोई यहाँ पर ध्यान रखने वाला नहीं है। आगे भी चलते हैं जहाँ पर ऐसे ही ट्रंक्स, ऐसे ही बक्से हमें नजर आ रहे हैं। और इतनी देर हो गई है मैं जब से आपको लगातार ये रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ, रिपोर्ट दिखा रही हूँ ग्राउंड से, कोई चौकीदार, कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अब ये वाले ट्रंक्स देखिए ये खुले पड़े हुए हैं, ये कुरुक्षेत्र से आया हुआ है, मैं चाहूँ तो आपको खोल के दिखा सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह से ABP न्यूज इस पूरे जो सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं इसे खोलूंगी नहीं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इसे कोई भी चाहे तो खोल सकता है क्योंकि ये ट्रंक खुला हुआ है, यहाँ पर कोई। आगे आइए मैं आपको तस्वीरें और दिखाती हूँ, ये देखिए ये पेपर आपको नजर आ रहे हैं, ये इंग्लिश का है, यहाँ पर सी ये जो इसका लॉक है वो भी टूटा हुआ है, ये मथुरा का नजर आ रहा है। आगे आइए आप तस्वीरें दिखाइए नजदीक से दर्शकों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को पता चले कि आखिर उनके एग्जाम के बाद साथ क्या होता है। ये ट्रंक सहारनपुर से आया है, ये देखिए खुला हुआ नजर आ रहा है, ये जो सील होने चाहिए जिसमें लॉक होना चाहिए आखिर वो लॉक क्यों नहीं है, जो अलग अलग जगह से भेजे गए हैं ये तमाम आपको सबूत नजर आएंगे। ये गाजीपुर से भेजा गया है, कुछ ट्रंक्स यहाँ पर लॉक जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर ट्रंक्स खुले हुए हैं। ये देखिए किस टूटी हालत में ये ट्रंक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं। और इधर देखिए किस तरह से ट्रंक, ये जो बक्से हैं
गैर जिम्मेदाराना तरीके से पड़े हुए हैं। पेड़ के नीचे एक ये ट्रंक पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है, एक वो ट्रंक पड़ा हुआ है। ये तमाम बक्से हमें एनडीए के दफ्तर में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोड नजर आ रहा है, ये सूरत से है तो ये गाजीपुर से है। तमाम जगहों का भी आप जूम करके दिखाइए दर्शकों को। ऊपर स्टैंप पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसा कॉन्फिडेंशियल जिसकी रखवाली के लिए कोई नहीं है। इतनी देर हो गई, कोई चौकीदार नहीं, किसी ने हमें रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। जब इतनी ज्यादा कोई सिक्योरिटी नहीं, इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से सामान पड़ा हुआ है जो कि बच्चों का भविष्य है, तो जरा सोचिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जिम्मेदारी कितनी ज्यादा उठानी चाहिए और कितनी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिलहाल उठा रहा है। कैमरा मैन चंद्रदेव के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है, मैं अभी न्यूज में सुन रहा था, और ये जो वीडियो है आप ही देख लीजिए, ये 4 घंटे पहले का वीडियो, आज का ये वीडियो है, ठीक है। इसके ऊपर 8294 व्यूज़ गए हैं, देख लीजिए 8294 व्यूज़ हैं, 4 आवर्स अगो ये CUT 2024 ये इन्होंने कीवर्ड डाल रखे हैं। और ये है, अब आप देख सकते हो कितना मिसमैनेजमेंट है एनटीए की तरफ से है। तो इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, हम आवाज़ उठाएंगे आपके लिए CUT का, कि CUT के लिए भी एनटीए को जवाब देना चाहिए।